साई चैतन्य पैरा मेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरा मेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखे, साई चैतन्य पैरा मेडिकल कॉलेज रूबी सिटी स्कैन के ऊपर मोची कॉर्नर। हमारे बड़े भाई अली जनाब से समर साहब, हमसे बड़े लगभग जो है 15-20 वार्ड से 2-4 लोगों को मैं ये मुसरती मीटिंग बुलाया हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, उस ताल्लुक से मैं सबसे पहले मैं अपने भाई घर वाले और खास तौर पे जहाँ मैं रहता हूँ जाफरनगर के लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि होना ये चाहिए था कि पहले मैं फॉर्म भरने से पहले ये मीटिंग बुला लूँ। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि सूरत और इंदौर में जिस तरीके से फॉर्म निकाले और रात में मैं 4 बजे ये व्हाट्सएप पे जो है न्यूज़ पढ़ा और दूसरे दिन फॉर्म निकालने की आखिरी तारीख थी फॉर्म मिलने की 2 बजे, मैं 11 बजे अकेले ही जा करके बाबूदा लग हुआ है, ये अपने भाई को भी नहीं बोला था कि मैं फॉर्म लाने जा रहा हूँ। तो मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरे जो मैं छोटा सा अपना सा एक सोशल वर्कर से मुझे जाफरनगर के लोगों ने इज्जत बख्शी और मैं कारपेंटर बना और जितनी मेरी वसात पर कोशिश हुई मैंने वार्ड में करने की कोशिश की। लोग मुझे यही बोल रहे हैं जो मेरे आपस के एकदम सच्चे मुखलिस दोस्त ये सब जो मैं रात में जिनके साथ रहता था, मैं इनको भी नहीं बोला कि मैं ये फॉर्म लाने जा रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो है मैं माजरत खाऊँ हूँ क्योंकि उजलत बहुत थी और बाकी की चीज़ तो जल्द से निकल मैं बोलूँगा। और रह गई अब ये मैं मीटिंग में बुलाया हूँ, मेरे जो दर्द है मुझे इतनी खुशी है कि इतनी शॉर्ट नोटिस में जो है हर वार्ड से 4-6 लोग जो है ये यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं। और आप लोगों को बताते चलो कि मैं आज भी जो है हमारे वार्ड के जो सरपंच थे बुजुर्ग है मैं उनसे नहीं मिला हूँ। क्यों नहीं मिला हूँ उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से आज सिर्फ 5-6 हल्का पड़ता है मालेगांव भुलिया असेंबली हल्के का, इसमें जो है मालेगांव के सियासी बोलो उलमा इकराम बोलो इतना ज्यादा जो है जोर दे रहे हैं तो मैं खुद भी उनके पास नहीं जा रहा हूँ वोट के लिए कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मुझे भी तजुर्बा है, अल्लाह ने मुझे भी सलाहियत दी है कि ये जो है कोई ग्राम पंचायत का इलेक्शन नहीं है, कोई कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं है, कोई असेंबली का इलेक्शन नहीं है। मुझे भी जो है समझता है, मुझे भी अल्लाह ने समझ दी है, तो मुझे खुद अच्छा भी लग रहा है उनके पास जाने के लिए, क्योंकि लोग जो है जलसे में अखबार के जरिए उलमा इकराम बोलो दीनी समाजी मिली शास्त्री लोगों ने इतना ज्यादा जो है प्रोपेगेंडा कर दिया मालेगांव शहर में कि वोट जो है बीजेपी के खिलाफ देने का। तो क्या मैं ये बोलना चाहूँ उन लोगों को कि क्या मैं बीजेपी से एजेंट कर रहा हूँ जो व्हाट्सएप पे और वो सब चल रहा है, वो सब चीज जो है उन लोगों का ऐसा बोलना है कि आज वक्त हालात नहीं है, सेकुलर उम्मीदवार को वोट दो। पीछे आप लोग अभी जो यहाँ है ज्यादा चेहरे जो है नौजवान है उम्र दराज लोग जो सियासी सीरत बसीरत रखते हैं उन लोग को भी मालूम है, उन तमाम लोगों को मालूम है कि बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाने। मेरा बोलने का मकसद सिर्फ ये है कि 2 टर्मों में से जो है बीजेपी चुन के आई, इससे पहले हमें एक नहीं हुए देखा। पूरा मालेगांव शहर मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक असेंबली हल्के में मिल करके 1,25,000 वोट को मालेगांव शहर ने जो दिया कांग्रेस को, ठीक है हार जीत लगी रहती है। मुझे बताए सियासी लीडरान या जो दिल्ली मिली तंजीमे 54 लाख वोट जो एक असेंबली हल्के में मिल रही है उसके बाद भी आप लोगों के दुख दर्द में आया क्या? आज जैसे हम लोग वार्ड का कार्पोरेशन का यहाँ इलेक्शन लड़ते हारने के बाद जो है उसके बाद भी लगे रहते हैं 5 साल, ये उम्मीद से भी आगे जो है हमको जो है इज्जत या आवाम सुन करके देगी। तो मैं इसीलिए जो है बुजुर्गो जो मेरे मालेगांव शहर के भी है मेरे बहुत ताल्लुकात है, अल्लाह का करम है सारा शहर जानता है और स्पोर्ट्स में भी मुझे बहुत अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जो मैं उम्मीदवारी करा फॉर्म भरा तो आपने ये छोटा सा अपना सा भाई उसका फॉर्म फाइनल हुआ। यहाँ तो जो खेल खेला जा रहा था एक IPS ऑफिसर का जो है फॉर्म रिजेक्ट हुआ, अल्लाह करा मैं तुम्हारे ये भाई का कम से कम पहली जीत तो मेरी मैं यही मानता हूँ। बाकी अभी ये मुसरती मीटिंग है, मैं आप लोगों को ये जो आप लोग ये मत समझो आपके जो चेहरे देख रहे हैं ये हर वार्ड के 2-4 ये सब नौजवान है, पहले जमाने में जो है हमारे बड़े भी बात मानी जाती थी उनके मशवरे रहते थे, लेकिन आज का जो है भाई जी का जमाना है और हमारे नौजवान जो है ये जो घर में आज जिद कर लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये अपने घर के
कम से कम लोगों को जो है ये मेरी बातें जो मनवाएंगे, जो जलसे में बोली जाएगी, जो हम लोग जो है बैठ के मीटिंग में बोलेंगे, मुझे उम्मीद है। और मुझे कोई चीज की फिक्र नहीं है कि कोई मुझे एजेंट बोले, कोई दलाल बोले। ये इंशाल्लाह वक्त आएगा तो ये शहर जागेगा। इस तरीके से पीछे भी मेरी एक अकेले यात्रा की कोशिश थी, 5 साल पहले भी हम लोगों ने वर्जी से लड़ाया था। अलहमदुल्ला सियासी आदमी नहीं था, उसके बाद भी हम जो है बता दिए 42,000 वोट लेकर के गए थे। लोग उस टाइम भी बहुत इंतजाम की बौछार कर रहे थे, लेकिन हमारी एक कोशिश हुई, एक दिखा कि जो है, और अब मैं सियासी हूँ, इंशाल्लाह जो है मैं मेहनत करूंगा पूरे 5 साल, 5 वार्ड के हल्के में जो है मेरे ताल्लुकात है, कहीं ना कहीं मेरी नंदियां दूल्हे में है, मेरे मामा लोग है, इंशाल्लाह मैं उनके पास भी जो है, वो लोग भी लगे बिगैर बोले, मैं उनसे भी नहीं बात किया था। तो ये आप लोग ये ना समझे कि मैं कॉर्पोरेशन का वार्ड का इलेक्शन जीत नहीं सकता, पार्लियामेंट का इलेक्शन क्यों जीत पाऊंगा। ये सब चीजें जो है मैं जलसे में बोलूंगा। और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो मुझे इतनी शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पे आए हैं। हमने ये मीटिंग जो है एक मशवरती मीटिंग रखी है, बाकी लीडरान जो मालेगांव शहर के, इंशाल्लाह जुमा के दिन जाफर नगर में बिस्मिल्लाह होटल में मैं क्या चल रहा है, मैं सब लोगों की बात ओपन करूंगा। ये आप लोगों को जो इतना बता रहे वोट देना, जब से हम पैदा हुए हैं और जब से आजादी हुई है, जब से वोट देना हमारा हक है। ये आज इनको समझ में आ रही है कि वोट देना हर एक अपने दिल का मालक है, वो किसको वोट दे, वोट देना जरूरी है, ये कहना चाहिए था। सेकुलर उम्मीदवार, अरे मैं सेकुलर उम्मीदवार हूँ। आज जो हमारे इलेक्शन में जो लड़ रहे हैं डॉक्टर भामरे, वो बीजेपी को तो हमको मालूम है भुले दुश्मन है। शोभा भाई बच्चाओं को इस उम्मीदवारी से पहले कौन कौन जानता था मालेगांव शहर के, धुलिया शहर के, पूरे हल्के से ला के थोप दिया गया है आप लोगों को। ये जो है सिर को थोपने का काम कब तक के हम मुसलमान बर्दाश्त करेंगे। ये सब बातें जो है इंशाल्लाह मैं जुमा के दिन बिस्मिल्लाह होटल में शाम में 7 बजे से 10 बजे तक जलसा है। आप लोग देख रहे हो कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन जितने लोग आए मेरे मोहब्बत में मेरे बहुत खुशी है, बहुत यही मेरी आज की जीत है। सबसे बड़ी पहली जो है पहली दिल्ली में जो सुखा, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज इतने लोग जो आएंगे मीटिंग में। मैं कोई मुकर्रर नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों की आज ये जो मीटिंग देख करके मेरे और हौसले बुलंद हो गए हैं। बहुत सारी राज की बातें हैं, क्योंकि मैं जो है सियासत में मैं 1999 से शेख रशीद साहब के साथ से चल रहा हूँ, और जब तक के आज तक मैं हम लोग शहर वाले को मालूम है कि मैं मुफ्ती साहब के भी साथ रहा हूँ, मेयर के टाइम में जो है मैं यूनुस दादा के साथ भी रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुंतकिम लिंगजी जैसे पहले न्याय साहब थे, मैं पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन न्याय साहब का भी लड़ा हूँ। और जो है मुझे सियासी जो है सूझ बूझ तो अल्लाह ने दी है, हमारे जो सरपरस्त जो है वो लोगों ने भी सिखाया, और मैं कॉर्पोरेशन में भी सीखा हूँ, मंत्रालय का भी तजुर्बा है। आप लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए देखा होगा कि मेरे ताल्लुकात जो है ऊपर भी बहुत सारे है। मैं कोई हवाई फायरिंग नहीं करूंगा, और मैं कोई ऐसा झूठ बात अब कोई झूठ वो बोल करके आप लोगों की वोट नहीं लेना चाहूंगा। यहाँ पे मथुरा से हो आप लोग, और इंशाल्लाह जो है जलसे में मैं बताऊंगा कि मैं अपने मालेगांव की कैसी सियासत चल रही है। अगर आप लोगों को कोई बात और यहाँ करना है तो हम लोग जरूर करेंगे। और इसके बाद जो है मैं चाहूंगा कि अभी इतने लोग आ गए हैं तो एक कमेटी बन जाए हम लोगों की, जिस तरीके से लोग खोल रहे कि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह मैं तो बता दिया अकेले बहुत मर में गया था, आज मेरे सामने जो है कम से कम 200-300 लोग बाहर भी जो है और लोग खड़े है, ये मेरी पहली सीधी है कामयाबी की। तो आप लोग मशवरा दें, इंशाल्लाह हम लोग इन लोगों को हिला दें, इंशाल्लाह जो है हमको बता देंगे कि मुसलमान क्या होता है। क्योंकि हमको जो है एकदम फकीर समझ लिया गया है कि ये इनकी मजबूरी है, ये आके हमको जो है इनको डराया जाए, धमकाया जाए, और ये आके हमको वोट दे देंगे। तो मैं इंशाल्लाह जलसे में भी बताऊंगा बाकी। और ये जो नौजवान है जो ये कर लेंगे, जो ये मशवरा दे देंगे, ये मैं समझता हूँ माफ करना नहीं तो बोले। एक आदमी 10-10 के बराबर मैं पहचानता हूँ। 30 साल से मैं सियासत में हूँ, मैं सबको जानता हूँ कि कौन कितने पानी में, मैं सब चेहरे देख रहा हूँ। और मुझे तो हैरत हो रही है कि एक छोटी सी मीटिंग में इतने बड़े बड़े लोग, आमिर भाई बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ गए।
शाहिद भाई है, शाहिद छठवा है, मैं किसी का चेहरे से सबको जानता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे और मैं एक दरख्वास्त कभी करता हूँ कि आप लोग आमिर भाई के साथ, मैं भी हूँ, मैं जब भी आवाज़ देते हैं आमिर भाई तो बड़े बड़े प्रोग्राम छोड़कर यहाँ आता हूँ। आज भी ऐसे ही हुआ, अभी मेरे प्रोग्राम चल रहे थे तो मान भाई ने फोन किया कि आमिर भाई के साथ हमको जुड़ना है, तो मैंने सबको इंतजार कर दिया। अब इंशाल्लाह आमिर भाई के साथ आगे तक हम रहेंगे, है ना। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि बिल्कुल आप साथ में रहें। मैं मत्ता हासिल करता हूँ और पूरी जो नज्म है वो एक 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 जो शेर है वो पूरी 10-10 मिनटों की तकरीर है। तो पहला शेर सदर साहब पेश करता हूँ कि माना के जुल्म करने से तम घर भी आएंगे, सितम घर भी आएंगे, माना के जुल्म करने से तम घर भी आएंगे, लेकिन उन्हें मिटाने कलंदर भी आएंगे, कलंदर भी आएंगे। ये क्यों बता रहा है, कहीं ऐसा ना हो और अल्लाह करे ऐसे ही हो कि लोगों की जमानतें जब्त हो जाए और लोग हैरत करे कि एक छोटा सा बच्चा हमको पछाड़ कर आगे निकल गया। दुआ सबसे बड़ा हथियार है हाजिर ग्राम, मेहनत और दुआ, दुआ भी करें और मेहनत भी करें। ये माना के जुल्म करने से तम कर भी आएंगे, लेकिन उन्हें मिटाने कलंदर भी आएंगे, कलंदर भी आएंगे। आपकी तरफ से मैं एक शेर पूरे शहर में पहुंचाना चाहता हूँ, खास तौर से समागम आए कि जब जब यजीद वाले उठाएंगे अपने सर, उठाएंगे अपने सर, जब जब यजीद वाले उठाएंगे अपने सर, जब जब यजीद वाले उठाएंगे अपने सर, अरे तब तब हुसैन वाले बाहर कर भाई। छोटे बच्चे वो बहुत खुश हो रहे हैं, तो इधर जो मामला है कुछ गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, शेर बोल रहा हूँ, आपकी सही बोला कि जब जब यजीद वाले उठाएंगे अपने सर, तब तब हुसैन वाले बहादुर भी आएंगे, बहादुर भी आएंगे, काबे को ढाने अब रहा आएंगे जब कभी, आपके लिए बताऊं, आएंगे जब कभी, काबे को ढाने अब रहा आएंगे जब कभी, लेकर परिंदे चोंच में कंकर भी आएंगे, काबे को ढाने अब रहा आएंगे जब कभी, लेकर परिंदे चोंच में कंकर भी आएंगे, कंकर भी आएंगे। एक शेर आपके हौसले के लिए पढ़ रहा हूँ, एक शेर आपके हौसले के लिए पढ़ रहा हूँ। आपने आमिर कारपोरेटर की आवाज पर यहाँ पर आए और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आखिर तक साथ देंगे। आपके लिए एक शेर पढ़ता हूँ आमिर भाई के लिए और सदर साहब की तरफ से, खास तौर से समर्पण है कि लेकर परिंदे चोंच में कंकर भी आएंगे, कंकर भी आएंगे, कि जब भी मुजाहिदीन निकलते थे जंग पर, ताली बजाने को तबा निकलते थे जंग पर, कि जब भी मुजाहिदीन निकलते थे जंग पर, जब भी मुजाहिदीन निकलते थे जंग पर, अरे फिर सोचते नहीं थे कि हम घर भी आएंगे, जब भी मुजाहिदीन, अगर ये चले तो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, कि जब भी मुजाहिदीन निकलते थे जंग पर, फिर सोचते नहीं थे कि हम घर भी आएंगे, हम घर भी आएंगे। बहुत शुक्रिया सदर साहब की तरफ से और आप तमाम लोगों की तरफ से। शेर बताऊं और मैं यहाँ पर आपसे सबूत चाहता हूँ,
ये नाता अभी से डरता है मेरी उड़ान से। इस मीटिंग का कवर कर ले, नकला भाई इस मीटिंग को कवर करे और बताइए कि जब भी मुजाहिदीन निकलते थे जंग पर, निकलते थे जंग पर, फिर सोचते नहीं थे कि हम घर भी आएंगे, हम घर भी आएंगे। कि नादा भी से डरता है मेरी उड़ान से, नादा भी से डरता है मेरी उड़ान से। उनसे कहो अभी तो मेरे पर भी आएंगे, अभी पर नहीं है तो ये हाल है, पर आगे तो क्या होगा। कि नादा भी से डरता है मेरी उड़ान से, उनसे कहो अभी तो मेरे पर भी आएंगे, मेरे पर भी आएंगे। आपको कहीं ना कहीं दिल में वसवसा होगा, दिल में तकलीफ होगी, दुख होगा, तो आपकी बात इस माइक के जरिए कर रहा हूँ। अगर आपकी बात कर रहा हूँ हामिद भाई, अगर मैं आप तमाम लोगों के दिल की बात कर रहा हूँ तो हौसला अफजा ही करना। खासतौर से बताऊँ समाप्त मैं, क्या थी खबर के लूटने ये अपना काफला, शाही भाई ये अपना काफला, क्या थी खबर के लूटने ये अपना कारवां, क्या थी खबर के लूटने ये अपना काफला। रहजन के साथ कौम के रहबर भी आएंगे, क्या थी खबर के लूटने ये अपना काफला, रहजन के साथ कौम के रहबर भी आएंगे, रहबर भी आएंगे। मक्के से पहले ये किए आज तो से बताऊं समाप्त मैं, रहबर रहजन के साथ कौम के रहबर भी आएंगे, रहबर भी आएंगे। आमिर भाई के लिए आपकी तरफ से पेश करता हूँ समाप्त मैं, कि ये मत समझ के सब नहीं मिलेंगे अबुलूस से, क्या समझदार हो गए आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। और शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पढ़ रहा हूँ खास तौर से समाप्त मैं, कि ये मत समझ के सब नहीं मिलेंगे खुलूस से, ये मत समझ के सब नहीं मिलेंगे खुलूस से। कुछ आस दिन में लिए खंजर भी आए, ये मत समझ के सब नहीं मिलेंगे खुलूस से, कुछ आस दिन में लिए खंजर भी आएंगे, खंजर भी आएंगे। मक्का बताऊं खास तौर से समाप्त मैं, के अजबर मुखालफत से तो डरना नहीं कभी, अच्छा मैं समझ गया कि आपने अंगूर रखा के आमीन लगा दिया है ना, अगर ऐसा है तो ताली बजा दे एक बार। आमीर मुखालफत से तो डरना नहीं कभी, आमीर मुखालफत से तो डरना नहीं कभी, अरे शाखों पे फल लगे हैं तो पत्थर भी आएंगे, शाखों पे फल लगे हैं तो पत्थर भी। के आमीर मुखालफत से तो डरना नहीं कभी, शाखों पे फल लगे हैं तो पत्थर भी आएंगे, पत्थर भी आएंगे। एक आखिरी शेर, आप जितनी मेहनत करते हैं आपको उसका फल मिलता है नहीं मिलता है पूरा शहर जानता है, मैं पहुंचाना चाहता हूं आपके जरिए, के शाखों पे फल लगे हैं तो पत्थर भी आएंगे, पत्थर भी आएंगे। बच्चों पे जुल्म करने से पहले ये सोच ले, पहले ये सोच ले, के बच्चों पे जुल्म करने से पहले ये सोच ले। एक
तेरे कद के बराबर भी आए के बराबर भी आएंगे, बराबर भी आएंगे।